हेलो एवरीवन, मैं हूं जगन नारायण और स्वागत है आपका क्लास टू प्लस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग फिर से एक नया सेशन लेकर आए हैं, बी बॉडमास रूल, जो सिंप्लीफिकेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और मैथ्स में भी इसका बहुत अच्छा रोल है, बहुत अधिक रोल है। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि बी बॉडमास रूल है क्या। बी बॉडमास रूल जो है, इसे हम लोग बोलते हैं सिक्वेंस ऑफ सिंप्लीफिकेशन। इसे हम लोग बोलते हैं सिक्वेंस ऑफ सिंप्लीफिकेशन। अब देखिए, सीक्वेंस का मीनिंग, सीक्वेंस ऑफ सिंप्लीफिकेशन इसे बोलते हैं, ये है क्या, ठीक है, ये है क्या, इसके बारे में भी जानेंगे। तो सीक्वेंस ऑफ सिंप्लीफिकेशन का मीनिंग क्या होता है, सरलीकरण की प्रक्रिया, सरलीकरण की प्रक्रिया, ठीक है। अब इस सरलीकरण की प्रक्रिया में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसको किस प्रक्रिया में, किस विधि से और किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहिए, ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए, वी बॉडमास में इस वी का मीनिंग होता है, हर एक लेटर का अलग अलग मीनिंग होता है। वी का मीनिंग होता है वेनिकुलम। वेनिकुलम मतलब होता है बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, जैसे एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, तो यदि मैंने लिखा 3 - 5, तो यहाँ पे बार दे दिया, ठीक है, तो ये होता है बार ब्रैकेट। तो जिसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी, 3 - 5, और इसके ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बट इसका मीनिंग ये नहीं होता, 3 - 5, और ये इसका इसका मीनिंग ये नहीं होता, इसका मीनिंग होता है मोड। तो इसको आप, यदि आप बार को हटाते हैं, तो बार को हटा के क्या कर सकते हैं, आप स्मॉल ब्रैकेट दे सकते हैं, ओके। फिर आते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट में तीन तरह के ब्रैकेट होते हैं, एक होता है आपका स्मॉल ब्रैकेट, इसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल ब्रैकेट या फर्स्ट ब्रैकेट, इसको हम लोग स्मॉल या फिर फर्स्ट ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कर्ली, और सेकंड ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर और थर्ड ब्रैकेट, स्क्वायर और थर्ड ब्रैकेट, ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको बोलते हैं। और भी हिंदी में इसको बोले तो इसको छोटा बोलते हैं, इसको मझला बोलते हैं, और इसको बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। ओ फॉर होता है ऑफ, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई करना। देखिए, यदि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 / 2 of 2 of 2, तो कई बार मैंने देखा है कि इसको ऑफ को हटाते समय, अब इसको दो तरीके से लोग लिखते हैं, एक तो लिखते हैं 4 / 2 into 2, और इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं 4 / 2 और into 2 लिख देते हैं, अब दोनों का मीनिंग अलग अलग हो गया, ठीक है। तो इसका मीनिंग देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 / 2, 2 जा 4, तो 4 by 4 कितना हो गया, 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 by 2 into 2 करेंगे, तो 4 by 2 into 2 करेंगे, तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 4। देखिए, दोनों के रिजल्ट में काफी फर्क है, यदि लिखने में आप गड़बड़ कर देंगे तो काफी फर्क हो जाएगा। तो देखिए, ये जो लिखा हुआ है ये गलत है, इसको बोलते हैं ये गलत है, ये लिखना गलत है। ये यदि ऑफ हटाते हैं तो ऑफ की जगह पे इंटू का साइन आएगा, लेकिन उसके बाद ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। अब आता है डिवीजन, डी फॉर डिवीजन। डिवीजन मतलब जानते हैं कि भाग होता है, एम फॉर क्या होता है, मल्टीप्लाई, उसके बाद ए फॉर एडिशन यानी प्लस, और एस फॉर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, जिसका मीनिंग होता है माइनस। तो इसको हम लोग वी से एस के सीक्वेंस में फॉलो करते हैं, यानी पहले यदि मान लीजिए बार ब्रैकेट नहीं हुआ और ये ब्रैकेट्स हैं, तो ब्रैकेट्स में सबसे पहले आप किसको ब्रेक करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को, देन सेकेंड ब्रैकेट को, देन थर्ड ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। अब उसके बाद मान लीजिए ऑफ है तो ऑफ का काम करेंगे, फिर डिवीजन है तो डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, इतने काम आपको करने होते हैं सरलीकरण में। तो आइए आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है 24 - 15 - 27, और 15 और 27 के ऊपर बार है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए दो तरीके से इसको लिख सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा, पहला तरीका तो ये होगा कि 24 - 15 - 27 लिखें और इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर में डाल दें। और दूसरा एक तरीका लिखने का है कि 24 - 15 - 27 और 15 - 27, ये 15 - 27, इसको हम लोग क्या करें, मोड के अंडर में डाल दें। ये है अपना मोड, और देखिए ये है स्मॉल ब्रैकेट। अब इसमें एक लिखना सही है, एक लिखना गलत है। तो देखिए, यदि ऐसे लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखिए, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये मोड हटाते हैं तो एक सिंपल सा स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगा। अब इसको यदि आप सॉल्व करते हैं, देखिए, तो दोनों के रिजल्ट में कितने वेरिएशन होते हैं, ये देखिए, 24 माइनस ये कितना हो गया, 15 - 27, तो -12। अब माइनस इंटू माइनस कितना हो गया, प्लस, तो 24 + 12 कर देंगे तो
तो इसका मीनिंग हो गया 36। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 24 माइनस 15 माइनस 27 तो माइनस 12। अब मोड के अंदर जो भी वैल्यू माइनस में रहेगा वो प्लस हो जाता है, तो 24 माइनस 12 हो गया, तो इसका मतलब कितना हो गया 12। देखिए तो एक रिजल्ट जब इसको आप मोड के अंदर में लिख देंगे, बार डायग्राम मोड के अंदर में लिख देंगे तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो ये लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है, करेक्ट आंसर इसका कितना है 36। आइए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्या है, क्वेश्चन नंबर टू लिखा गया है 72 डिवाइडेड बाई 9 ऑफ 4 इन प्लस 15। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक तरीका लिखने का देखिए क्या है, एक तरीका है 72 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4 प्लस 15, और दूसरा तरीका है 72 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4 प्लस 15। अब दोनों में समझ में आ रहा है क्या फर्क है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, जबकि ये लिखना करेक्ट है, ये करेक्ट लिखना है, ये रॉन्ग, ये लिखना गलत है, ओके। तो देखिए इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं, दोनों आपको पता होना चाहिए क्या करेक्ट है क्या रॉन्ग है। तो यदि इसको आप लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 72 डिवाइडेड बाई, अब देखिए 9 इंटू 4 पहले, अब पहले क्या डिवीजन के पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, तो डिवीजन के पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 9 इंटू 4 36 और प्लस कितना हो गया 15। अब देखिए 72 को 36 से डिवाइड कर दिया जाए तो आंसर कितना आएगा 2, और 2 प्लस 15 यदि ऐड कर देते हैं तो कितना हो गया 17, तो इसका करेक्ट आंसर कितना है 17। और देखिए इसको यदि सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, 72 इंटू 1 बाई 9 इंटू 4 प्लस 15। अब 9 से 72 को कैंसिल करेंगे 8, 8 फोर जा 32, 32 प्लस 15 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 47। देख रहे हैं रिजल्ट में कितने का वेरिएशन हो जा रहा है और ये कितना गलत आंसर आ रहा है। तो आपका देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन दो तरीके से लिखेंगे तो उसमें एक ही तरीका सही है, जो मैंने पहला वाला लिखा है कि ये करेक्ट तरीका है, तो करेक्ट तरीका है तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 17, ये रॉन्ग तरीका है तो इसका रॉन्ग आंसर निकल के कितना है 47, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है 4 डिवाइडेड बाई 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 4 इंटू 4। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को ज्यादातर कैंडिडेट होता है एग्जाम में बोलता है कि सर आंसर 1 होगा या 1 बाई 4 कोई बता देता है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये देखिए, जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से देखना है। तो देखिए कैसे होगा, तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 1 बाई 4 इंटू 1 बाई 4 इंटू 1 बाई 4 इंटू 1 बाई 4। अब देखिए कितने चार हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो हमने 5 बार लिखना होगा, तो इंटू 1 बाई 4, तो ये 5 बार 1 बाई 4 आया इंटू 4। अब देखिए ये 4 4 कैंसिल हो गया, ये भी 4 4 कैंसिल हो गया, टोटल 7 4 हैं, देखिए 5 और ये कितने हैं 2 7, तो यहाँ पे नीचे 5 लिखा ऊपर 2। अब देखिए 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, 16 का 4 गुना कितना हो गया 64, तो 1 बाई 64 ये इसका आंसर है। इसका आंसर यदि लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा 1 बाई 64, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए 4 डिवाइडेड बाई 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 4 ऑफ 4। अब देखिए पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन देखकर कैंडिडेट बोलता है कि सर दोनों क्वेश्चन तो सेम ही लिखा है। देखिए यहाँ भी मैंने इसी क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ जो पिछले क्वेश्चन था, 4 डिवाइडेड बाई 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 1 2 3 4 5, अच्छा इंटू 4 इंटू 4, यहाँ पे भी वही है 3 4 5 6 7, यहाँ भी 4 7 हैं, 3 और 4 7। अब देखिए बोलते हैं कैंडिडेट कि दोनों क्वेश्चन सेम ही है, जी नहीं, दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है। इसका मीनिंग क्या हो गया देख लीजिए, इसका मीनिंग क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4, देखिए ये 4 बार 4 लिख दिए डिवाइड में। अब देखिए 4 और 4 है तो 4 और 4 कितना हो गया 16, तो 4 और 4 16 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 इंटू 1 बाई 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 16। देखिए ये 4 से 4 कट गया, 16 इंटू 16 कितना हो गया 256, तो इसका आंसर आएगा 1 बाई 256, तो ये आंसर होगा 1 बाई 256, ठीक है। और देखिए इसका आंसर कितना आया था 1 बाई 64, ये आंसर आया था, देख लीजिए एक बार पीछे की स्लाइड में देख लेते हैं 1 बाई 64। तो दोनों के आंसर में देख लीजिए वेरिएशन बहुत अधिक है और दोनों सेम क्वेश्चन नहीं है, ठीक है।
दोनों सेम क्वेश्चन भी नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए 6/11 ऑफ 385 इंटू 16 प्लस 14 सॉरी डिवाइडेड बाई 14 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 435 डिवाइडेड बाई 29 प्लस 406। देखिए तो अब यहाँ पे प्लस है और ये सभी वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव आएंगे, तो इसका मतलब ये टोटल जाके इधर में क्या होगा, राइट हैंड साइड में जाके माइनस होगा। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए इसको यदि हम लोग सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड में एक बार सॉल्व करें, तो देखिए 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, काट सकते हैं इसको। 11 3 जा 33 और 11 5 जा 55। ठीक है, अब देखिए 14 से डिवाइड करना है तो 5 से 5 7 से 7 5 5 जा 35 और 7 से 2 हो गया। 2 से 18 को 16 को कैंसिल कर दीजिए, तो 2 से 16 को कैंसिल कर देंगे तो 8, तो 8 5 जा 40, 40 का 6 टाइम्स कितना हो गया, 40 का 6 टाइम 240, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से भी 29 से इसको डिवाइड कर दीजिए 1 जा, और फिर यहाँ बचा कितना 29, तो यहाँ 14 बचा 5 जा। ठीक है, तो 29 5 जा 145, तो 15 15 प्लस 406 कितना हो गया 421, 421 से आपको माइनस करना है 8 5 जा 40, 40 का 4 6 टाइम्स कितना हो गया 240, तो इतना माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया 1, 12 माइनस 8 कितना हो गया, 12 से 8 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया आपका 4, और यहाँ बचा कितना आपके पास 3, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, तो 141 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्या लिखा है, 30% ऑफ 80% ऑफ 850 डिवाइडेड बाई 34। अब देखिए यहाँ से आपका ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, यहाँ पे एक ब्रैकेट होगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 30% का मीनिंग कितना 3/10 इंटू 80% कितना होता है 4/5। अब देखिए ये कितना है 850 और इंटू क्या लिख सकते हैं 1/34, इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 17 हो गया, 17 से इसको कैंसिल कर देंगे 2 हो गया, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 2 हो गया, तो 3 × 2 कितना हो गया 6, तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं 6। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 20% ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट फिर आपका राउंड ब्रैकेट 220% ऑफ 40% 40-20 प्लस 10 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज परसेंट ऑफ 500। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 220% ऑफ 40 कितना हो गया, तो देखिए ये परसेंटेज हटाएंगे तो ये 00 कैंसिल हो गया, तो 22 4 जा कितना हो गया 88, 88 से 20 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 68, और 68 में ये 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 68 प्लस 10 78, तो हम लोग लिखेंगे क्या 20% का मीनिंग क्या होता है 1/5, तो 1/5 ऑफ 78, अब देखिए 78% है तो 78/100 कर देते हैं और इंटू कितना कर देंगे 500, तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन का वैल्यू आ जाएगा, तो ये देखिए 500 कैंसिल हो गया, आंसर कितना हो गया 78, तो ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 512 डिवाइडेड बाई 16 स्क्वायर ब्रैकेट 33 होल 1/3% ऑफ 96 प्लस कर्ली ब्रैकेट 28 होल 4/7% ऑफ 28 माइनस 22 होल 2/9% ऑफ 27 प्लस 24 माइनस 15 माइनस 7 और 15 और 7 के ऊपर बार ब्रैकेट है, उसके बाद देखिए स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज किया गया, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज किया गया और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज किया गया। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बिना इसको यदि सॉल्व करें तो सबसे पहले हम लोग का शुरुआत कहाँ से होगा ये जान लीजिए, तो एक एक चीज़ को हम लोग शुरू करें तो सबसे पहले देखिए अब इसमें सबसे पहले वर्निकुलम सॉल्व करेंगे। वर्निकुलम कहाँ पे है क्वेश्चन में, देखिए वर्निकुलम कहाँ पे है, तो वर्निकुलम आपका क्वेश्चन में इस जगह पे है, तो वर्निकुलम यहाँ पे है, तो 15-7 यानी बार ब्रैकेट यहाँ पे है, तो 15-7 कितना हो गया 8, अब 24 से 8 माइनस हो गया तो कितना हो गया 24-8 16 हो गया, अब 22 होल 2/9% ऑफ 27 है, तो ये इसको यदि आप परसेंटेज वैल्यू देखेंगे तो इसका परसेंटेज वैल्यू होता है 2/9। ठीक है, 2/9 तो 9 से 27 को कैंसिल करेंगे 3, 3 2 जा 6, तो 6, तो ये तो वैल्यू हो गया 6 और यहाँ पे 20 प्लस 16, तो 16 प्लस 6 कितना हो गया 22, तो माइनस 22 होगा। अब देखिए 28 होल 4/7 कितना होता है, ये होता है आपका 2/7,
तो 7 से 28 को कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया 4, 4 का 2 टाइम्स 8। तो देखिए और ये 33 होल 1/3% को कितना लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं, तो 1/3 लिखेंगे तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे 32। तो देखिए अपना क्वेश्चन क्या बना, 512 डिवाइडेड बाई 16 और बड़ा ब्रैकेट के अंदर कितना बना 32 प्लस 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 माइनस 16 और 6 कितना हो गया 22, ठीक है, तो 22 हो गया और ये हो गया आपका 3 से काटे थे हम लोग 3, 3 दुना 6 तो ये कितना हो गया 16, 6 22, 22 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया आपका, सॉरी 16 और 6 22 होता है, 22 में से 6 माइनस कर देंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है, तो एक बार में ये सॉल्व हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, देखिए 32 और 8 कितना हो गया 40, 40 से 16 माइनस करेंगे, एक मिनट गलती रह गया, यहाँ पे हो गया कितना 15 में 7 गया 8, 24 में से 8 माइनस कर देंगे तो 24 में से 8 माइनस करेंगे 16, 16 और 6 कितना हो गया 22, यहाँ पे माइनस 22 होता, ठीक है, ये माइनस 22 होता। एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार लिखना जरूरी है नहीं तो फिर देखिए कई बार ऐसे गलतियां हो जाती हैं। 512 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 16, ये हो गया 32 प्लस ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर कितना हो गया 4 2 8 माइनस ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कितना हो गया 3 से काट दिया था इसको 3 टाइम्स, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 प्लस 24 माइनस 8, ठीक है, ये अपने पास वैल्यू था। अब देखिए 24 प्लस 6 30, 30 माइनस 8 कितना हो गया 30 माइनस 8 करेंगे तो 22 हो गया 22, अब 8 माइनस 22 करेंगे तो माइनस 16 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 512 डिवाइडेड बाई 16 और ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा देखिए 32, अब देखिए ये कितना हो गया, ये 24 और 6 30, 30 में से 8 गया 22, 22, तो ये माइनस साइन है तो माइनस 22 होगा, माइनस 22 और प्लस 8, माइनस 22 और प्लस 8 कितना हो गया माइनस 14, ठीक है, 22 से 14 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया आपका, हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ कितना हो गया 512 डिवाइडेड बाय 16, अब इसको माइनस करेंगे तो 18। अब यहां से भी दो तरह के कैंडिडेट होते हैं, देखिए एक कैंडिडेट होगा जो ऐसे इसको लिखेगा अंडर रूट ऑफ 512 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 18, एक कैंडिडेट होगा इसको लिखेगा अंडर रूट ऑफ 512 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 18। देखिए इसमें ये वाला कैंडिडेट सही होगा और ये गलत हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ अंडर रूट ऑफ 512 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 18, ठीक है। अब देखिए तो इसको यदि हम लोग कैंसिल करें, इसको हम लोग यदि कैंसिल करें तो कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से कैंसिल कर देते हैं पहले, तो 8 से हो गया 64 और 8 से हो गया ये 2, 2 से कैंसिल कर दें तो कितना हो गया 16, सॉरी 2 से 32 और फिर 2 से कैंसिल करें तो ये 9 और ये हो गया कितना 16, तो 16 बाई 9 कितना होता है 4/3, तो इसका आंसर होगा 4/3। लेकिन इसको यदि सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखिए अंडर रूट ऑफ 512, अब 512 को 16 से डिवाइड कर देंगे, पहले 8 से डिवाइड करेंगे 64 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 32, तो ये कितना हो गया 32 इंटू 18 हो जाता, तो इसका मतलब ये कितना होता है 64 और 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 64 इंटू 9, तो 64 8 इंटू ये हो जाता 3, 8 इंटू 3 कितना हो जाता 24, तो ये हो जाता 24 हो जाता, ठीक है। तो देखिए ये गलत आंसर है, ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर मैं आपको काम नहीं करना है, लेकिन मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको गलती भी पता चले कि कहाँ पर आप गलती करते हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं, अगला क्वेश्चन है 63 डिवाइडेड बाई 42 डिवाइडेड बाई 45 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 8 प्लस 8 बाई 5 माइनस 5 बाई 8 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो इसको क्या लिखेंगे 63 डिवाइडेड बाई 42 इंटू क्या लिखेंगे 105 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 8 प्लस,
अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 8 8 जैसे 64 माइनस 25, तो 64 से 25 को यदि माइनस करते हैं तो ये आपका कितना हो गया, 14 में से 5 गया 9, और ये कितना हो गया आपका 5, 5 में से 2 गया 3, 39 हो जाएगा। ठीक है, 39/40। तो देखिए अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 9 से कैंसिल करिए, 9 7 जा 63 और 9 5 जा 45, 7 6 जा 42। ठीक है, अब 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए कितना हो गया, 5 से कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 21, 3 से कैंसिल कर दीजिए 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए कितना 4, 4 7 जा कितना हो गया 28। तो इसका आंसर कितना हो गया, 28 होल 39/40, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, कैंसिल करना था, लेकिन मान लीजिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर लिखा जाए और इसी क्वेश्चन में यहाँ पे ऑफ कर दिया जाता है, यहाँ पे कर दिया जाता ऑफ, यहाँ पे ऑफ कर दिया जाता, तब क्या करते, तब देखिए क्वेश्चन कैसे चेंज होता। अब इसको क्या लिखते, 63/42/, अब देखिए इसके नीचे क्या है 1, तो इसको लिखते हम लोग 105। अब इसको इंटू में चेंज करते, तो इंटू में चेंज करते तो लिखते 105/45×8, ऐसे लिखते, प्लस ये तो आया था आपका 39/40। ठीक है, अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 9 से 7 टाइम्स 9 से 5 टाइम्स, 5 से इसको कैंसिल किए थे तो कितना हो गया 21, 21 से 2 बार में कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया देखिए 7/2×8 कितना हो गया 16, तो ये 7/16 हो गया, प्लस कितना हो गया 39/40। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया, देखिए 8×2 होता है और 8×5 होता है, तो एलसीएम ले लेंगे तो 8×2×5, तो 8 × 16 16 × 5 × कितना हो गया 80 हो जाएगा एलसीएम, तो ये 5×7 35 प्लस 39 × 2 कितना होता है 78 78। अब इसको ऐड कर दीजिए, 8 और 5 कितना हो गया 13 7 3 10 और 1 11, 113/80, तो ये इसका आंसर होता है। ठीक है, 113/80। तो देखिए जहाँ पे यहाँ पे सिर्फ ऑफ बदल, इनटू की जगह पे ऑफ लिख देने से आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 5832 प्लस यहाँ पे 19683 होल टू द पावर 1/3 माइनस 2025 टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे, देखिए 5832 इसका क्यूब रूट कितना होगा, देखिए यहाँ पे 2 है तो 8 आ जाएगा, ये 2 की जगह पर 8 आ जाएगा, 5 है तो 5 से लेस किस नंबर का क्यों होता है 1 का, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 18 हो गया, प्लस ये भी क्यूब रूट ही है तो 3 है तो 7 आ जाएगा, और 19 से लेस किस नंबर का क्यों होता है 2 का, तो 27 हो जाएगा, माइनस 2025 का स्क्वायर रूट, तो ये 5 हो गया और ये कितना है 5 हो गया, अब 20 से लेस किस नंबर का स्क्वायर था 4 का, तो यहाँ 4 आ गया, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 5। अब देखिए 5 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 9 हो गया, तो 27 प्लस 18 होता है 45, 45 माइनस 9 कर देंगे तो 45 माइनस 9 कर देंगे तो कितना हो गया 36, तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 आज के सेशन का देखते हैं, देखिए क्या लिखा है, 6√13×9√13/6√6+7√6+5√6, 6√6+7√6 ब्रैकेट के अंदर है, तो देखिए इसको यदि हम लोग लिखें तो इसको क्या लिखेंगे, 6×9 और √13×√13 कितना हो गया 13, डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे 6+7 कितना हो गया 13√6, और प्लस क्या लिख देंगे 5√6, ये 13 13 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रही होगी, तो आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक तो तरीका है कि मैं इस 6 को क्या लिखता हूँ, 6 को √6×√6 लिख दूँ, तो ये मेरे लिए जी हो जाएगा, √6 से √6 कैंसिल हो गया, तो 9√6 और 5√6, तो 9 और 5 कितना होता है 14, तो 14√6 ये अपना आंसर हो गया। ओके, आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 है 40% of 102/17 ?(2^3)/6। देखिए 2^3×6 कितना होता है, 2^3 करेंगे तो 8 8×6 कितना हो गया 48। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो बाकी सब तो डिवाइड में जाएगा, लेकिन यहाँ परसेंटेज भी है, 17 से इसको कैंसिल कर दीजिए कितना हो गया 6, है ना, तो 40% ऑफ 6, तो 4 6 जा कितना होता है 24,
तो 20 यानी 240 को यदि 100 से डिवाइड करें तो 2.4 होगा, तो डिवाइडेड बाई 2.4 हो जाएगा। अब देखिए इस पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए, 40 से 2 टाइम 20, ये आपका आंसर हो गया। ये बहुत ईजी क्वेश्चन मैंने दिया था। ओके, तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे डाउट क्वेश्चंस ऑफ द डे, कुछ हमारे स्टूडेंट ने डाउट्स भेजे हैं तो उस क्वेश्चंस को भी देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन भेजा है हर्ष, हमारे एक स्टूडेंट हैं हर्ष, उन्होंने भेजा है। देखिए ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, लिखा गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 18 मैन कैन कम्प्लीट अ प्रोजेक्ट इन 30 डेज एंड 16 वुमेन कम्प्लीट द सेम प्रोजेक्ट इन 36 डेज। 15 मैन स्टार्ट वर्किंग एंड आफ्टर 9 डेज दे आर रिप्लेस्ड बाई 18 वुमेन। इन हाउ मेनी डेज विल 18 वुमेन कम्प्लीट द रिमेनिंग वर्क। देखिए कहा जा रहा है कि 18 आदमी जो हैं एक प्रोजेक्ट को 30 दिन में काम फिनिश कर देते हैं, 16 औरतें जो हैं उसी प्रोजेक्ट को, सेम प्रोजेक्ट को 36 दिन में खत्म कर रही हैं। अब बोला गया कि 15 आदमी उस काम को 9 दिन तक करते हैं, उसके बाद वो 18 वुमेन से रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी 15 मैन को हटाकर 18 वुमेन लगा दिए जाते हैं। तो ये जो 18 वुमेन है वो रिमेनिंग काम को कितने समय में कंप्लीट करेंगी ये बताना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ज्यादातर MDH लगाते हैं, W इक्वल टू वर्क इक्वल टू MDH, टोटल वर्क इक्वल टू W इक्वल टू क्या लिखते हैं MDH। MDH का मीनिंग क्या होता है, देखिए M फॉर होता है मैन वर्किंग यानी लेबर्स, D फॉर होता है वर्किंग डेज और H फॉर होता है वर्किंग आवर्स पर डे। तो वर्किंग आवर्स के बारे में बात नहीं किया गया, तो M और D के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग कौन सा सूत्र अप्लाई करेंगे, इसमें जो सूत्र अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला जो लगाएंगे वो है M1 D1 इक्वल टू M2 D2, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट लेते हैं, 18 मैन कितने दिन में काम कंप्लीट करें, 36 डेज में। तो इसको यदि मैं M1 समझूं और इसको D1 और इसको मैं M2 समझ लूं, M2, तो ये मेरे लिए D2 हुआ। तो पहले इतने को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या पता चल जाएगा, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो पता चल जाएगा। देखिए टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट एक ही है कि मैन, यदि आपको एफिशिएंसी पता चल गया तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे 18 मैन है, तो 18 मैन को हम लोग 18 M into 30 इक्वल टू 16 W into 36 ये लिख देते हैं। 18 से इसको कैंसिल कर देते हैं 2 टाइम्स, और 2 से कैंसिल कीजिए 15, और 2 से कैंसिल हो गया ये 2। तो इसका मीनिंग क्या है, 15 मैन इक्वल टू 16 वुमेन। तो हम लोग लिख सकते हैं मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो गया, 16:15, 16:15 मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। इसका मतलब देखिए ये हमारा वर्क है, तो हम यदि यदि कैलकुलेट करें कि रिमेनिंग वर्क कितना हुआ, तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा, तो देखिए 18 मैन ने शुरू किया था 30 डेज में काम कंप्लीट किया था, 18 मैन और 30 डेज में काम कर ली थी, तो मैन की एफिशिएंसी कितनी है 16, तो 18 इंटू 16 और इंटू 30 ये टोटल वर्क होता। इस काम को कितने लोगों ने शुरू किया, उसी एफिशिएंसी के इक्वल 15 लोगों ने काम शुरू किया था, 15 मैन ने, तो 15 मैन। इसको मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 16 से, मैन की एफिशिएंसी का जो रेशियो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन्होंने कितने दिन तक काम किया 9 डे, तो हमें इसको माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग वर्क पता चल जाएगा। इसका कैलकुलेशन कितना आएगा, देखिए यहाँ से देखिए कितना कॉमन है, 16 तो एक कॉमन है ही, तो 16 कॉमन निकाल लेते हैं। अब देखिए 15 भी कॉमन है, तो 15 कॉमन निकाल लेते हैं, तो इंटू 15 निकाल लिए। अब क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, तो 9 निकाल लिए। तो देखिए यहाँ बचा 2 और यहाँ भी 2 बचा, तो 2 इंटू 2 4 में से एक गया, तो कितना बचा 3, तो इंटू 3, तो ये हमारे पास रिमेनिंग वर्क बचा। अब इस वर्क को यानी 16 इंटू 15 इंटू 9 इंटू 3 इस वर्क को कौन करेगा, 18 वुमेन करेंगी, और वुमेन की रेशियो कितनी है 15, तो 18 इंटू 15 और कितने दिन में करेंगे, तो इंटू डी कर देंगे। तो इसका मतलब हमारा डी जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 16 इंटू 15 इंटू 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 18 इंटू 15। तो देखिए 15 तो कैंसिल हो गया, 18 से 9 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 2 से ये 8 टाइम्स में 16 कैंसिल हो गया, 8 का 3 टाइम्स कितना होता है 24 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 24 डेज है, जो कि ऑप्शन नंबर ई है। ओके चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए ये भी हर्ष ने ही भेजा है, ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्या बोला गया,
ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 होल 2 बाय 7 डेज व्हाइल बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 13 होल 1 बाय 3 डेज बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन सी इन हाउ मेनी डेज ए विल ए एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। बोला गया ए और बी 10 होल 2 बाय 7 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं, बी और सी 13 होल 1 बाय 3 डेज में काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बोला गया बी की एफिशिएंसी है सी से 25% ज्यादा है, तो ए और सी कितने समय में काम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए अब ए और बी हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे बी और सी है। अब यदि इसको सॉल्व किया जाए तो 10 होल 2 बाई 7 को क्या लिख सकते हैं, 72 बाई 7 डेज। 13 होल 1 बाई 3 को क्या लिख सकते हैं, 40 बाई 3 डेज। ये हमने डेज लिख दिया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमें टोटल वर्क पता चल जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 72 और 40 का एलसीएम यदि किया जाए तो ये हो जाएगा 360। तो हमें अब देखो एफिशिएंसी कितना मिलेगा, एफिशिएंसी मिला ए और बी का 360 डिवाइडेड बाय 72 बाय 7, तो ये कितना हो गया 35। यानी ए और बी एक साथ मिलकर 35 वर्क पर डे करेंगे। बी और सी कितना करेंगे, 40 से इसको डिवाइड किया 9 का 3 टाइम्स 27, ठीक है। तो ये कितना हो गया 27 वर्क पर डे बी और सी का एफिशिएंसी है। अब देखो यहां बोला गया कि एफिशिएंसी ऑफ बी, क्वेश्चन में बोला गया, यहां पे देखिए क्वेश्चन में यहां बोला गया एफिशिएंसी ऑफ बी 25% मोर देन सी, और बी और सी का कंबाइन एफिशिएंसी पता है। तो इस 20 एफिशिएंसी ऑफ बी और सी को, एफिशिएंसी ऑफ बी और सी का रेशियो कितना होगा, तब हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये 5:4 होगा, जो कि अब 5:4 होगा तो हमें यहां से तो पता चल जाएगा कि बी की एफिशिएंसी कितनी है और सी की एफिशिएंसी कितनी है। तो बी की एफिशिएंसी कैलकुलेट करें तो क्या लिखेंगे, 27 का 5 बाय 9 टाइम्स। सी की एफिशिएंसी कितना लिखेंगे, 27 का 4 बाय 9 टाइम्स। 9 से इसको कैंसिल किए 3, 3 इंटू 5 कितना हो गया 15 वर्क पर डे। 9 से इसको कैंसिल किए 3, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12 वर्क पर डे। अब देखिए हमें बी की, ए की, बी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी, सी की पता चलेगी, तो ए की भी पता चल जाएगी। ए और बी की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है, 35 वर्क पर डे, सॉरी 35 वर्क पर डे। तो 35 से आप 15 माइनस कर देंगे तो 35 माइनस 15 कितना एफिशिएंसी हो गया, 20 वर्क पर डे। ये पता चल गया हमें ए का एफिशिएंसी। अब ए और बी की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है, 12 प्लस 20 यानी एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी कंबाइन कितनी हो गई, 32 वर्क पर डे। अब देखिए हमें टोटल वर्क कितना है 360, तो टाइम टेकन बाय ए एंड बी, ए और बी के द्वारा मिलाकर टाइम कितना लगेगा, तो आप कितना लिखेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 32। तो देखिए कैंसिल कर देंगे 4 से, तो 4 से कितना हो गया 8, और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 9 जा 36, 90 हो गया। 2 से कैंसिल कर देंगे 4, और 2 से 45, तो इसका मतलब कितना हो गया, 11 होल 1 बाय 4 डेज, ठीक है। तो ए सॉरी ए और सी है, कंबाइन एफिशिएंसी ऑफ ए और सी होगा, ये ध्यान दीजिएगा ए और सी होगा। तो इसका मतलब ये कितने समय में काम फिनिश कर देंगे, 11 होल 1 बाय 4 डेज में। तो 11 होल 1 बाय 4 डेज कितना, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। और यहां भी एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं फ्लो में गलत लिख दिया, ए और सी होगा ये, ठीक है। तो ए और सी मिलकर 11 होल 1 बाय 4 डेज में कंप्लीट करेंगे, ओके। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमारे एक स्टूडेंट है, उन्होंने अनिल ने भेजा था, उनका नाम है अनिल, मैंने लिखना मैं भूल गया, तो अनिल ने ये क्वेश्चन भेजा था। ये सर्च एंड इंडिसेस का क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि ये कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 3 ये कितना आएगा। तो देखो ये तो हमें अंडर रूट कैलकुलेट करना है, नहीं स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो इसको हम यदि 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई 2 इंटू इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 2 रूट 3। अब देखिए इस, अब ये 4 माइनस 2 रूट 3 है, यानी ए 2 ए बी के फॉर्म में आ गया। तो हमारा जो ये फॉर्म आया वो कैसे आया, ये इस तरह से आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, इस तरह से फॉर्म में आएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कितना होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी हो जाएगा,
और इसी तरह से मान लो कि ये ऐसा रहता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के फॉर्म में रहता तो ये कितना हो जाता, ए प्लस बी हो जाता, ठीक ना। तो देखिए इसको यदि सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, वन बाई टू अंडर रूट ऑफ वन बाई टू इंटू, इसको हम लोग फोर को क्या लिख सकते हैं, रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू रूट थ्री इंटू वन, ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ, वन बाई रूट टू इंटू रूट थ्री माइनस वन। सिमिलरली यदि इसको लिखें अंडर रूट ऑफ टू माइनस टू प्लस रूट थ्री, इसको यदि सॉल्व करें तो इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, वन बाई रूट टू इंटू रूट थ्री प्लस वन, ये वैल्यू आएगा। तो देखिए अब यही वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाई रूट टू, और इसके जगह पे क्या पुट कर देंगे, वन बाई रूट टू इंटू, इसको पुट कर देंगे रूट थ्री माइनस वन, प्लस ये हो गया टू माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाई रूट टू माइनस, इसके जगह पे क्या पुट करेंगे, रूट थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई रूट टू, ऐसे पुट कर सकते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, टू इन टू प्लस रूट थ्री, टू प्लस रूट थ्री इंटू कितना लिखेंगे, रूट रूट टू, ये रूट टू ऊपर चला जाएगा और रूट टू से यहाँ मल्टीप्लाई किया टू, तो ये कितना हो गया, टू प्लस रूट थ्री माइनस वन, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी टू माइनस रूट थ्री इंटू रूट टू हो जाएगा, लेकिन नीचे कितना होगा, ये रूट टू से मल्टीप्लाई होगा तो टू माइनस रूट थ्री माइनस वन। देखिए तो ये कितना हो गया, टू माइनस वन करेंगे तो वन होगा, तो ये कितना हो गया, नीचे में हो गया रूट थ्री प्लस वन, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए टू माइनस वन करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा, तो हम माइनस कॉमन लेकर यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो गया, रूट थ्री माइनस वन। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, टू रूट टू रूट टू प्लस रूट सिक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, टू रूट टू माइनस रूट सिक्स, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको रेशनलाइज कर भी सकते हैं या एक साथ एलसीएम ले सकते हैं, तो एक साथ एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा, एलसीएम लेंगे तो रूट टू प्लस रूट थ्री प्लस वन इंटू रूट थ्री माइनस वन, तो रूट थ्री का तो थ्री होता है, थ्री माइनस वन कितना होगा, टू हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रूट थ्री माइनस वन से, तो टू रूट थ्री सॉरी टू रूट टू प्लस रूट सिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस रूट सिक्स, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो टू रूट थ्री, टू रूट टू है और ये रूट थ्री है, तो ये कितना हो गया, टू रूट सिक्स हो गया, तो टू रूट सिक्स हो गया, माइनस कितना हो गया, टू रूट टू, थोड़ा इसको बड़ा लिख रहे हैं। अब देखिए रूट सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में है, तो ये कितना हो गया, रूट ओवर एटीन, और ये कितना हो गया, माइनस रूट सिक्स। इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या होगा, देखिए रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, टू रूट सिक्स प्लस में प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, देखिए इसके पहले क्या है, माइनस भी है तो माइनस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, टू रूट सिक्स, और ये वैल्यू कितना होगा, माइनस, ठीक है, और माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में कितना आ गया, रूट ओवर एटीन। अब देखिए इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, माइनस टू रूट टू, और कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस रूट सिक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो यहाँ पे रूट सिक्स है माइनस में, रूट सिक्स प्लस में है, यहाँ पे देखिए टू रूट टू माइनस में है, ये भी माइनस में है, सॉरी, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते इसको, टू रूट सिक्स देखिए प्लस में है और ये टू रूट सिक्स माइनस में है। अब रूट एटीन और रूट एटीन, टू रूट एटीन हो गया, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, टू रूट एटीन, टू रूट टू और ये भी माइनस टू रूट टू है, तो कितना हो गया, माइनस फोर रूट टू डिवाइडेड बाई कितना हो गया, टू, तो टू कॉमन ले लेंगे तो कितना हो गया, देखिए टू कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अपने पास कितना, टू कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा कितना अपने पास, रूट ओवर एटीन माइनस फोर सॉरी टू रूट टू, ये बचेगा डिवाइडेड बाई टू, तो ये टू टू कैंसिल हो गया,
18 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो गया, 3√2 माइनस 2√2, तो 3√2 से 2√2 माइनस कर देंगे, तो 3√2 से 2√ माइनस 2√2 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, √2। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके कोई भी डाउट्स हैं तो classtubeplus@gmail.com पे सेंड कर सकते हैं। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। और कोई भी डाउट्स हो तो मैं आपको बार बार वीडियो में बताता हूँ कि अपने डाउट्स को आप classtubeplus@gmail.com पे सेंड कर दीजिए, मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में और फिर देखेंगे कि आगे हम लोग क्या और अच्छा कर सकते हैं। ओके।